और रवि जहांगीर यहाँ को मल्टीप्लेक्स के पास आए। आलोक, चेन्नई सुपर किंग जीत गया है, कल आप बोला था कि चेन्नई जीतेगा तो मल्टीप्लेक्स में आए, आज आपसे निर्णय लेंगे कि आज कौन जीतेगा, मुंबई या लखनऊ जीतेगा। लग रहा है मुंबई हार जाएगा। शशिकांत मायूसी की ओर पर चल रहे, लग रहा है शशिकांत आज मायूसी दिख रहा है आपके चेहरे पर। अरे आरसीबी कपड़े जीतता है मगर दिल जीत लेता है भाई साहब, दिल जिलाना सर। तक भाई का आनंद लेने के लिए ग्राउंड में आ जाए, अगर आईपीएल देख रहे हैं तो और बहुत मैं इतना लंबे जैसे मैं छोटे खिलाड़ी अमरपुर के खिलाड़ी कल बहुत अच्छा अपने टीम के लिए प्रदर्शन किए थे, बाहर के साथ इनका मैच था, ऐसे गलती नहीं कर सकते आप, क्योंकि सामने वाला भी खिलाड़ी बहुत अच्छा खेलते हुए। और इस मैच के बाद देख रहे ना बुरा दर्शक, इस मैच के बाद महा मुकाबला खेला जाएगा बीएड वर्सेस बेगूसराय के बीच, बीएड और बढ़िया के बीच खेला जाएगा सीनियर मैच का फाइनल मुकाबला, बहैया और बीएड के बीच खेला जाएगा, जो बेगूसराय जिला से चल के आई है बीएड का टीम फाइनल मुकाबला खेलेगी बहैया से। और फिर से गलती अमरपुर के खिलाड़ी जैसी मच्छों में जैसी मध्य खिलाड़ी, हमें कल इनको देखा था बहुत पीछे रेट कर दिया, जैसी मध्य खिलाड़ी के पास बहुत फुर्ती है और इनका कोई जवाब ही नहीं है, बोनस मारने की प्रयास और बहुत अच्छा और अंपायर का मान सम्मान बहुत ही पेश कमर के द्वारा जैसी नंबर चार के द्वारा। फिर से मात बहिया के कोच में तीन खिलाड़ी और जर्सी नंबर छह के खिलाड़ी बहुत ही अच्छे खेलते हैं, अपने छोटे छोटे कदमों के साथ अपना पॉइंट लाने की प्रयास झाप पाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बहुत ही तड़पे हैं जर्सी नंबर तीन के द्वारा। ग्यारह नंबर जर्सी के लंबे करके खिलाड़ी रेट करते हुए, दोनों साइड लंबे लंबे रेडर अपनी टीम के लिए रेस करते हुए और बोनस मारने की प्रयास, देखते हैं बोनस हो पाता है या नहीं, अंपायर का डिसीजन है, अंपायर क्या देते हैं प्रणाली में, बोनस ले गए बहुत अच्छा डिसीजन अंपायर। और जो है मुख्य के अतिथि 5-5 दोनों का स्कोर 5-5 और फिर से लंबे करते खिलाड़ी जबकि नंबर 6 के खिलाड़ी अमरपुर के खिलाड़ी रेस करते हुए बढ़िया के कोच में और दर्शक ताली बजाए दोनों टीम के लिए, ताली बजाएंगे तभी तो मैच देखने में मजा आएगा, ताली बजाएगा तभी सुपर बनता है मैच का। और फिर से और पांच लेंगे बहुत ही तस्वीर मारे 11 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी का जर्सी नंबर 6 से दो डाले रेट करने के आए मैच के खिलाड़ी और बहुत ही झाप और बढ़िया के बेहतरीन लेवल को बाहर करते हुए अमरपुर के खिलाड़ी को टारगेट रख रहे हैं, रेडर को बाहर रखेंगे तभी मैच जीत पाएंगे जरूर, ये होना भी चाहिए। जैसे मैं पिछले मैच में देखा रवि आनंद को बाहर रखा, खवास रखा डुमरा टीम ने, अगर रवि आनंद को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन दिखा, लास्ट में रवि आनंद मैच को चेंज कर दिए और उससे भी बढ़िया प्रदर्शन किए गोपाल कुमार, हमने देखा गोपाल बहुत अच्छा डिफेंस किए अपने छोटे करके खिलाड़ी सब जूनियर के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, मेहनत करते हुए भाई आगे बढ़ेगा। और फिर से जैसे छोटे के खिलाड़ी रेस करते हुए जे किसी बढ़िया के कोर्ट में किक मारने की प्रयास और बिना लगाने वापस अपने कोर्ट में, राजा कमेंट्री बॉक्स में है आपको ऑन खोज रहा है और स्कोर बता देना चाहता हूँ 52 रन पर 2 विकेट एमआई का। और फिर से जर्सी नंबर 13 में रेट करने के लिए जे किसी बढ़िया के खिलाड़ी और पावर का इस्तेमाल करते हुए जर्सी नंबर 13 के खिलाड़ी अपना पावर का इस्तेमाल करके और
स्कोर बता देना चाहता हूँ दोस्तों, फिर से आपको 5 अमरपुर, 8 बढ़िया फेवर ऑफ बढ़िया, फिर से अमरपुर के खिलाड़ी एक करते बढ़िया के साथ बहुत अच्छा डिफेंस। दर्शन 11 रेट करने के लिए आए बहिया के खिलाड़ी, देखते हैं अपनी टीम के पान ले जा पाते हैं नहीं, बहुत से छोटे बच्चे वो पान लाने के प्रयास अपनी टीम के लिए कर रहे हैं। और बहुत अच्छा दिखा मुझे खिलाड़ी के द्वारा देखने को मिला, ट्रेनर को बाहर की ओर रास्ता दिखाने के लिए मिला, भाई खजर भी है खिलाड़ी तारी का पहलू है, हार से नाराज नहीं होना है और जीत से ज्यादा खुश भी नहीं होना है, अगर हार रहे तो नाराज भी ज्यादा मत हो और जीत रहे तो खुश भी ज्यादा मत। फर्स्ट कॉल महा मुकाबला बिहार वर्सेस बहैया के बीच खेला जाएगा, दर्शक अगर जहां पर भी हो किसी को अगर देख रहे आप देख रहे हैं बहैया का महा मुकाबला सीनियर बन में खेला जाएगा, बिहार बड़ा ही टीम में एक चार करे खिलाड़ी बिहार का भैया उन्होंने इधर संदीप उधर रवि सकेत दोनों ही टीम में एक से बढ़कर एक रनर और एक से बढ़कर एक डिफेंडर, दोनों ही टीम में जो तो जीवन में कोई कमी नहीं मगर देखते और हार जीत तो होते रहती है, हार से ज्यादा नाराज भी मत होना, हार जीत तो मैच का पहलू है, खिलाड़ी की पहचान है, अगर हारेंगे तभी तो सीखेंगे और हारे देंगे तो सीखेंगे कहां से, हार जीत में नाराज नहीं होना है, मेहनत करते रहो, फिर से जसिया दो के खिलाड़ी रेट करते रहो और जसिया दो के खिलाड़ी के ताली बजाए, बहुत ज्यादा प्रदर्शन कल भी हमने देखा था, अपनी टीम के लगातार पॉइंट ला रहे थे जसिया दो के खिलाड़ी, फुर्ती ले छोटे बच्चे खिलाड़ी आज इनका जन्मदिन भी है, दर्शकों की कोशिश भी कर रहे संदीप को, संदीप को चलिए कोई नहीं आज का फाइनल मुकाबला खिलाड़ी और टेक्निकल फाउल मिलते हैं, 9-12 फेवर ऑफ बहैया, मात्र 2 खिलाड़ी अमरपुर के कोर्ट में, अगर वो बात करता से निकलना बहैया टीम को बखूबी होता है, हमने देखा है कन्हैया में और मैंने आया थे कबड्डी बॉक्स में कुछ प्रेशर नहीं गुप्त भी करते हुए कबड्डी बॉक्स में मेरे साथ बहुत से खिलाड़ी बोलू, कोई जवाब नहीं मोनू का ब्रेक स्क्रीन से उनका बखूबी जानते हैं,
और बेहद टीम रेडी होते हुए वार्मअप के लिए आलोक भी रेडी होते हुए और मुस्कुराते हुए कन्हैया की तरफ से आपको 100 रुपया दिया जाएगा पुरस्कार। बढ़िया टीम के स्टार खिलाड़ी कन्हैया और संजीव, देखते हैं अपने टीम के लिए कन्हैया क्या कर पाते हैं। बोनस बहुत ही अच्छा निर्देश अंकिता के द्वारा जस्ट नंबर 11 के खिलाड़ी अमरपुर के खिलाड़ी जैसे कि मेरे खिलाड़ी बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी एक दो इनमें फुर्ती का कमी नहीं है। हमने देखा इस चक्र में खुले निकल गए, वाह क्या बात है। एक नंबर के दर्शक ताली बजाए, बढ़िया के खिलाड़ी है बहुत खरीद कर रहे हैं और बता दे सचिव कान फिर से एक बार बतलाते हुए बढ़िया टीम के कोच शुभम अपने टीम को बतलाते हुए अपने गुरु दक्षिणा देते हुए और स्कोर काटने के लिए गरीब भैया आप आ जाइए और बोनस पाने की प्रयास 6 बार के 10 दिन में बोनस लेंगे अपने टीम के लिए। और लंबे का भी खिलाड़ी को ऐसा गलती नहीं कर सकते क्योंकि बोनस प्लस पान लेंगे। आशिका के लिए जोरदार ताली बजाएं दर्शकों के 11 नंबर जैसी में अपनी टीम के लिए लगातार पॉइंट लाते हुए और इस मैच को बाद में भी देख सकते हैं लाइव यूट्यूब पे जाके, अभी भी घर बैठे लाइव आनंद ले सकते हैं नवीन मारुति चैनल और मैच टू मैच उदू चैनल पे लाइव प्रसारण चल रहा है। इस मैच को कल का मैच अगर कोई नहीं देखे है सेमीफाइनल बिहार के बीच तो दो और 2 नंबर का जैसी बहुत ही फुर्ती है। 2 नंबर के लिए एक बार ताली बजाएं दर्शक, इनका फुर्ती का कोई इकरार ही नहीं है, जाते हुए तुरंत बोनस चुरा के फिर अपने खुद में वापस आ जाते हैं। वाह क्या बात है, अपने फुर्ती के साथ और खेल का प्रदर्शन करते हुए। मैं बता देना चाहता हूँ खिलाड़ियों कि हमारे मुख्य अतिथि के द्वारा और समाज सेवी के द्वारा कुछ पुरस्कार रखा गया है और अभिरामपुर के तरफ से बेस्ट ट्रेनर और बेस्ट डिफेंडर को 500 रुपया दिया जाएगा और ललित भैया के तरफ से बेस्ट ट्रेनर को 5 रुपया की इनाम दिया जाएगा। गौरव भैया के तरफ से बेस्ट डिफेंडर को 5 रुपया की इनाम दिया जाएगा और तीनों बेहतरीन समाज से भी और फिर से मैं इसका आनंद लेते हुए जर्सी नंबर 1 और जर्सी नंबर 2 तो खिलाड़ी को कन्हैया के द्वारा दोनों को 100 रुपया का इनाम दिया जाएगा। और फिर से एक बार आईपीएल का भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं दर्शक और फिर से आशिका दो पांडे ने अपनी टीम के लिए 71 रन से दो विकेट 7 ओवर गेंद दो विकेट के नुकसान पर 71 रन मुंबई ने बनाया है। पहचान है अगर आप एक खिलाड़ी है तो वो अनुशासित सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है एक नंबर के खिलाड़ी पान लाने की कोशिश, हमने बताया था 1 नंबर 2 नंबर और 11 नंबर तीनों ही बेहतरीन खिलाड़ी बढ़ गया टीम के अपने टीम के लिए कुछ करना चाहते हैं। बहुत अच्छा चलिए पॉइंट लेकर अपने टीम के लिए और बहुत अच्छा ऑफिशियल हमारे दोनों ऑफिशियल बहुत दूर से चल के आए हैं, करियापुर से चल के आए ऑफिशियल विक्टोर आजाद दोनों अपना ही ऑफिशियल का अपना बहुत अच्छा निर्णय देते हुए और ठीक है 2 नंबर के लिए ताली बजाता है इनका फुर्ती का कोई जवाब ही नहीं है और बहुत अच्छा पड़े नहीं और घर रोके पकड़े गए बहुत अच्छा। इस प्रकार है रवि भैया बताया थोड़ा सा स्कोर 13-26 फेवर ऑफ बढ़िया कुछ देर के लिए विराम फिर आते हैं आप विराज स्कोर बताएंगे आपको। Hey, 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 hey
और दर्शक कुछ ताली बजाए तभी तो रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। ताली के कमी में टीमें कुछ कर नहीं पाती है, लेकिन तरफ से कुछ खास नहीं दिख रहा है और बहुत अच्छा डिफेंस देखने को मिलता है भैया टीम की तरफ से। और ठीक है, जैसे कि मैंने देखा है बहुत ही फुर्ती है खिलाड़ी, एक दो में इतना फुर्ती है देखने को मिलता है। एक और दो भैया के एक और दो के खिलाड़ी में इतना फुर्ती देखने को मिलता है कि कहां मार के निकल जाते हैं, अमेरिकन के खिलाड़ी को समझ नहीं आता क्या बात है। खिलाड़ी बहुत ही खिलाड़ी दोनों ही टीम में अपने टीम के लिए जैसे छोटे खेल लगातार रेड करते हुए और
फिर से एक नंबर के लिए दर्शक ताली बजाएं, बहुत ही फुर्तीले खिलाड़ी, बहुत ही खिलाड़ी, इनका फुर्ती का कोई जवाब नहीं, समझ नहीं पाते खिलाड़ी कल क्या करके निकल जाएंगे। फुर्ती लेते हैं नंबर दो पर हिला के खिलाड़ी दिखते हैं, बहुत अच्छे फुर्ती लगता है दोनों, फुर्ती की कमी नहीं। दसवीं नंबर तीन खिलाड़ी मणिपुर के खिलाड़ी व्यक्त करते हुए फुर्ते तीन समाप्त करी अभिराम सर की तरफ से देश देगा, देश डिफेंडर को 500 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा। और फिर से ललित भैया देश रेडर की तरफ से 500 रुपया पुरस्कार दिया जाएगा, गौरव भैया की तरफ से देश डिफेंडर को 500 रुपया पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत अच्छे समाज से भी और खिलाड़ी का हौसला बढ़ाने के लिए हमारे कमेंट्री बॉक्स में नए शामिल लेते हुए बहुत अच्छा मुकाबला करता हुआ और सोनी जी कबड्डी का लुत्फ उठाते हुए और कबड्डी का आनंद लेते हुए, कबड्डी एक ऐसा खेल है और ऐसा गलती नहीं कर सकते, लंबे खिलाड़ी के पास बढ़िया टीम ऐसा गलती नहीं कर सकते। और दक्षिण मजदूर फुर्तीले खिलाड़ी, हमने बताया दर्शक एक और दो, इसलिए कहते हम किसी से कम नहीं, उसी ने देखने को मिलता है पहले खिलाड़ी एक और दो जजों और तकरीर बहुत अच्छा डिफेंस अमरपुर 35-21 सौरभ भैया 35-21 मार तीन खिलाड़ी 35 जैसी जगह 11 के खिलाड़ी प्रयास लंबे के खिलाड़ी और टीक लगा बहुत ही टीक लगा जर्सी नंबर तीन के खिलाड़ी प्राण लेने की कोशिश करें बढ़िया टीम से, बहुत अच्छा कॉर्नर लेफ्ट और राइट चार का डिफेंस है। दक्षिण हमारे गाड़ा के खिलाड़ी एक करते हुए जेके सी बढ़िया के खिलाड़ी आशिका और सूट माने की प्रयास, ये छोटे किक दिखने से मिला बहुत ही सॉफ्ट किक और छेज बहुत ही देरी के बाद जब एक मिला ओम भैया ऑफिसियल में अपना निर्णय देते हुए बहुत ही ज्यादा ऑफिसियल का उजाला पेश करते हुए रेदम बाकर खिलाड़ी रह चुके हैं। और हमारे कोदम्बा कबड्डी क्लब के पूर्व खिलाड़ी रामदास जी कबड्डी का आनंद लेते हुए और देख रहे हैं कैसे कौन खिलाड़ी खेल रहा है और ऑफिशियल एम्पायर डिसीजन इधर लास्ट डिसीजन अंतिम 5 मिनट एम्पायर का डिसीजन लास्ट डिसीजन लास्ट 5 मिनट का खेल अंतिम 5 मिनट एक नंबर के खिलाड़ी और मैं धरती में मुकाबला जी है डिफेंसेज बढ़िया के लिए खेला जाएगा, दोनों टीम में एक नंबर के खिलाड़ी कस्मा कस्म मुकाबला देखने को मिलेगा। देखिए अपने देखा था रामपुर तुमरा बढ़िया के बीच देखने का मुकाबला मिला, ऐसे ही मुकाबला देखने को मिलेगा। ठीक है और मैं इसका आनंद लेते हुए बहुत खजर आशिका के द्वारा और हमारे लालगढ़ भैया का इसका आनंद लेते हुए दुख उठाते हुए कबड्डी का आनंद लेते हुए और कन्हैया का हौसला बढ़ाने के लिए सभी दर्शक रेडी रहे और तालियों की कमी ना करेंगे। अंतिम 4 मिनट का गेम अक्सर बता देने ज्यादा फिर से एक बार 38 बार सौरभ बढ़िया फिर से आपकी तारीख से तैयारी है जैसे खिलाड़ी
और बहुत ही सुहम भैया कुछ लगता है कोच इनको सिखाया है कि हम बहुत पॉइंट डिलीट कर रहे हैं और बहुत तरीके पांच के डिफेंस में सिखाया है अपने टीम को कोच के द्वारा सिखाया गया है तो हम बहुत पॉइंट लास्ट टीम मिनट के गेम बताओ अंपायर का इस दौरान तीन तीन मिनट और अंपायर का मान सम्मान एम्पायर डिसीजन इज द लास्ट डिसीजन एम्पायर का मान सर्वोपरि और हमारे जिला कबड्डी संघ के सचिव संभूषण खेल का आनंद लेते हुए और बहुत ही अच्छा माहौल बढ़िया कबड्डी ग्राउंड में एजम्बा कबड्डी क्लब के खिलाड़ी अब इस मैच के बाद फेडरेट दूर और फिर से भी कमी नहीं है जैसी जनों को हमने आपको बार बार बता रहा है जैसी जनों एक और दो किसी से कम नहीं दिख रहे बोल रहे खिलाड़ी यह दोनों खिलाड़ी बहुत ही कंट्रीब्यूशन कर रहा है कि हम किसी से कम नहीं तो हम किसी से कम नहीं दोनों खिलाड़ी अपने टीम के लगातार पहुंच रहा है और अंतिम दो मिनट का खेल लास्ट दो मिनट का खेल दसवीं और पांच के द्वारा मात्र एक खिलाड़ी पॉइंट लाने की कोशिश और बहुत अच्छा डिफेंस बढ़िया टीम का और हमारे मैच का आनंद लेते हुए बढ़िया के समाज से भी अभिराम सर ललित भैया और बहुत अच्छा डिफेंस रात को दे दिया जैसी रात के तेरे नंबर जैसी रात आगे बढ़ा जा सके ग्राउंड बहुत ही बढ़िया खेल देखने को मिला और फिर से बता देना चाहता हूँ फाइनल है लड़का के 45 पास क्या लगता है दर्शक 58 पार कर पाएगी बढ़िया की टीम एक मिनट मार कर देता है नेट ऐसे ऑन है फिर से आशिका वेट पर आई है छोटो बैठो अमरपुर के खिलाड़ी और दोनों टीम के दर्शक दोनों टीम के लिए अगर ताली बजाए दर्शक दोनों टीम के लिए दोनों टीम बहुत ही खेल का प्रदर्शन करते हुए बोनस ले गई फिर से एक नंबर आ रहा है कोर्ट में बढ़िया के खिलाड़ी के कोर्ट में और पकड़े गए बहुत ही डिफेंस हम डिफेंस देख रहे हैं उनके द्वारा कोई नहीं हार जीत तो मैच का पहलू होता है हार से भी ज्यादा नाराज नहीं होना है जीत से भी ज्यादा खुश नहीं होना है क्योंकि एक खिलाड़ी का सिद्धांत होता है हार और जीत हार जीत एक खिलाड़ी खेल का पहलू है कभी आपको जीत मिलेगी तो बहुत खुश होगा कभी आपको हार मिलेगी बहुत नाराज होगा मगर नाराज नहीं होना चाहिए मेहनत आपके और आपका जुनून दोनों ही रहना जाए बढ़िया ने इसी प्रकार फाइनल जीत लिया है और लगातार हमने देखा लगातार हमने देखा तीन वर्ग में बढ़िया टीम ने जीत हासिल किया है और लास्ट वर्ग का मुकाबला रहता हुआ वो भी सीनियर वर्ग में चौबीस 47